राजस्थान का बहुचर्चित हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते दिनों एसओजी ने एक ऐसे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था जिसके संचालन में वकील और हाई प्रोफाइल लड़कियां भी शामिल थीं। रोचक बात यह है कि इस रैकेट के निशाने पर हाई प्रोफाइल और पूंजीपति लोग ही रहते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब दर्जनों लोग इस रैकेट के शिकार हो चुके थे और करोड़ों रुपए गिरोह ने इन लोगों से ऐंठ लिए थे। करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार करने वाले इस रैकेट के पुलिस अधिकारियों से भी सांठ गांठ सामने आई, लेकिन दोषियों पर आज भी कार्रवाई का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का मामला बोतल से फिर बाहर आया। हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का जिन मालवीय नगर थाने में दर्ज हुआ मामला। पुलिस ने दो महिलाओं को प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। वंदना भट्ट उर्फ सारिका और पूनम कंवर उर्फ अंजलि की हुई गिरफ्तारी। साड़ी व्यापारी को ब्लैकमेल कर वसूली करने का है आरोप। रैकेट से जुड़े अन्य आरोपी हैं सलाखों के पीछे। पुलिस अधिकारियों की साठ गांठ का भी हुआ खुलासा। दोषियों पर कार्रवाई का आज भी है इंतजार। सूबे के एक बड़े डॉक्टर पर रेप केस दर्ज करा। लाखों रुपए वसूलने की शिकायत पर जयपुर एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। एसओजी की माने तो हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गिरोह से जुड़े ज्यादातर आरोपी पेशे से एडवोकेट हैं, जो महिलाओं को अपने गिरोह में शामिल कर शहर के नामी लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और उन पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। कि भाई कौन सॉफ्ट टारगेट है, पैसे वाले हैं, उसमें कुछ जो है ये तथाकथित रूप से जो एडवोकेट्स हैं और कुछ इसमें दलाल टाइप के लोग हैं, क्योंकि इसमें इजी मनी उनको मिलता था, तो इसलिए इन लोगों ने एक इस तरह का एक गिरोह बना के और उन लोगों को टारगेट करके और किसी न किसी तरीके से उनसे लड़की को बेच के संपर्क करने की कोशिश की जाती थी। और उसके बाद फिर जब एक बार लड़की वहां चली गई, फिर ये लगातार फोन करके और उनको इस बात के लिए ब्लैकमेल करते थे कि उनके खिलाफ या तो कोर्ट में इस्तगासा कर दिया जाएगा या एफआईआर कर दी जाएगी और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। एसओजी कार्रवाई की सूचना मिलने पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा पीड़ित एसओजी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। एसओजी ने मामले में अब तक अखिलेश, अक्षत, विजय और कल्पना, रवनीत समेत कई लोग गिरफ्तार किए हैं। एसओजी की माने तो रैकेट द्वारा वसूली का ये आंकड़ा 20 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। प्रारंभिक जांच के दौरान ही दर्जनों लोगों को अपने जाल में फंसाकर रैकेट करीब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली करने की जानकारी सामने आई है। कुछ दिनों बाद ही एक बार फिर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का बोतल में बंद ये जिन फिर बाहर आ गया। दरअसल गिरोह में शामिल दो महिलाओं द्वारा ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए साड़ी व्यापारी ने मालवीय नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। व्यापारी ने आरोप लगाया कि वंदना भट्ट उर्फ सारिका और पूनम कंवर उर्फ अंजलि ने उनके शोरूम से महंगी साड़ियां उधार ली और पैसे चुकाने के लिए मानसरोवर स्थित अपने अपार्टमेंट में बुलाया। जैसे ही व्यापारी उनके फ्लैट पर पहुंचे तो महिलाओं ने उसे पैसे चुकाने से मना करते हुए उल्टे उसे ही रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे दी और बचने के लिए स्टाम्प पेपर पर लाखों रुपए देने की डील कर डाली। हालांकि मामले की जांच के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की है।
पिछले वर्ष दर्ज हुआ था ये मामला। श्याम कुमार नाम के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। एक मेरे भाई हैं अर्जुन, उनको दो महिलाएं हैं जो ब्लैकमेल कर रही हैं और उनसे पैसे की डिमांड कर रही हैं। इस बात को लेकर मैंने मुकदमा दर्ज कराया था। उन महिलाओं ने अर्जुन के खिलाफ श्यामनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें नतीजा उसमें एफआईआर लग चुकी है। इस मामले में हम लोगों ने इनको कल अरेस्ट किया। ये दोनों महिलाएं आज पहले एसओजी द्वारा इनको अरेस्ट किया गया था एक मामले में, तो हम लोग इनको जेल से प्रोडक्ट वारंट पर ले गए। ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए की वसूली करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी माउंट आबू में इसी तरह के एक रैकेट का खुलासा हो चुका है। हालांकि एसओजी ने इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस रैकेट से जुड़े पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का आज भी इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। एक ऐसा अपराधी जिससे ना तो कानून का भय है और ना ही किसी का खौफ, जिसने सिर्फ दौलत और पैसों के लिए तीन शादी की और फिर पैसे के लिए एक के बाद एक अपनी पत्नियों को मौत के घाट उतार दिया। जुर्म की ऐसी दास्तान जिसने पुलिस महकमे में सनसनी फैला दी। जुर्म की खौफनाक दुनिया के राज खोलती है ये रिपोर्ट।